यानी कश्मीर है ना, कश्मीर एक मुद्दा तो है, ये बात तो हम इसको हम जो मर्जी कह रहे हैं मुद्दा, मुद्दा नहीं है, नहीं नहीं है मुद्दा, है पाकिस्तान मुद्दा बनाता है। आप मैं कहता हूं कि इसको वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता, कैसे करें? मुझे ये यकीन करें, मुझे अब लगता है कि शायद हिंदुस्तान भी अब ये नहीं चाहता कि ये बीच में से जो हड्डियां नहीं खत्म हो जाएगी, फिर हम फिर एक दूसरे को बुरा भला फिर कैसे कहेंगे, और शायद पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अगर कैसे खत्म करें, वही आना कह रही ना कैसे करें। नहीं 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 सुने सुने बिल्कुल बिल्कुल, ये जबरदस्त पॉइंट है कि कैसे खत्म करें। दुनिया में क्या कश्मीर इज द ओनली डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज? नो, पूरी दुनिया में इस तरह के इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, वो हल हुए, ये डिस्प्यूट क्यों हल नहीं हो सकता? हम क्योंकि बैठने ही नहीं चाहते। एक अच्छा हिंदुस्तान कहते हैं यार जी टेरर और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, भाई जान I'll tell you one thing. बिल्कुल सही है, मेरी बात बिल्कुल सही है, आप मेरी बात सुनिए। जी जी I'll give you a very simple example, ठीक है ना? सपोज पकड़ साहब, सपोज यू आर इन लव विद अ गर्ल एंड शी इज मैरिड टू समबडी, और आप बार बार इंटरनेशनल फोरम पे जाके बोलोगे शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, नो नो शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, फिर वो आती है गुस्से से, वो बोलती है ये कौन है फकर यूसुफ जाई, आई एम वेरी हैप्पी विद माय हस्बैंड, व्हाई इज ही आफ्टर माय लाइफ। फिर आप जाते हो फिर इंटरनेशनल फोरम में, शी इज नॉट हैप्पी विद हर हस्बैंड, शी शुड बी विद मी, याना बता रही शी शुड बी विद मी, अच्छी गोली कह लूंगा एक सेकंड फकर उनको कंप्लीट करने दे जी, याना आप बात करें, आईडिया अच्छा है वैसे बात करना। हां No, so imagine, अगर फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम में बोलते हैं ना, आपने बड़ा जो है ना इस पे मूवी बननी चाहिए, फकर साहब हर एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर बोलते हैं नहीं नहीं उस बेचारी लड़की की राइट्स छीनी गई, उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई, वो हर जगह जाके बोल रही है आई एम हैप्पी विद माय हस्बैंड, ये हर जगह जाके बोल रहा है शी शुड बी विद मी। अब बताओ ये डिस्प्यूट कैसे, हस्बैंड क्या बोलेगा उसका, ये साला होता कौन है, इसको तो मैं काट के इसकी बीवी भी अपने पास लाऊंगा, अभी बोलेगा ना हस्बैंड, तो पीओकी की बात इसीलिए उठी है, तो इसीलिए दैट जो इंटरफेरिंग बॉयफ्रेंड है ही हैज टू स्टॉप ना फर्स्ट, हाउ कैन यू टेल द हस्बैंड एंड द वाइफ टू स्टॉप, सो दिस इज द थिंग, ये इशू है। आई होप मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं मतलब ये एग्जांपल मुझे बड़ी अजीब सी खुशी की हालत है, बड़ा अजीब सा खुशी पगर की खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, शायद ये सच में उनके साथ हुआ नहीं,